मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। जयराम रमेश ने ज्योतिरादित्य को 24 कैरेट गद्दार बताया, कहा पार्टी में सिब्बल की वापसी हो सकती है, सिद्धिया शर्मा की नहीं। कर्नाटक सरकार ने ठुकराया मुस्लिम स्कूल खोलने का प्रस्ताव, राज्य में 10 स्कूल खोलने के लिए मांगे गए थे 25 करोड़ रुपए। राहुल गांधी ने आरएसएस पर जमकर साधा निशाना, बोले ये जय सियाराम नहीं कह सकते, उनके संगठन में कोई महिला नहीं। बंगालियों पर बयान के बाद परेश रावल का माफीनामा, कहा था गैस सिलेंडर का करोगे क्या, बंगालियों के लिए मछली पकाओगे। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई पद्मभूषण पुरस्कार से हुए सम्मानित, कहा जहां जाता हूं भारत मेरे साथ होता है। अंबेडकर नगर में 2 फर्जी फूड इंस्पेक्टर बनकर मिष्ठान भंडार पर करते थे अवैध वसूली, फर्जी फूड इंस्पेक्टर को अकबरपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमेठी में पैसा लेते संविदा स्टाफ नर्स का वीडियो वायरल, प्रसव के बाद तीमारदार से पैसा मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। हमीरपुर में फर्जी दस्तावेजों की जांच करने पहुंची सीबीआई की टीम, फर्जी निवास प्रमाण पत्र लगाकर सेना में भर्ती का मामला। हरदोई में चलती स्कूटी बनी आग का गोला, अचानक लगी आग, देखते देखते धू धू कर जली स्कूटी। लखीमपुर खीरी में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, लखीमपुर जा रही प्राइवेट बस पलटी, बस में सवार 26 यात्री घायल, 4 जिला अस्पताल रेफर। यूक्रेन के दूतावासों में ब्लीडी पैकेज, इनमें गाय और सुअर की आंखें, पहले लेटर बॉम्ब भेजे गए थे। इमरान खान के खास पूर्व आईएसआई चीफ फैज हामिद की छुट्टी, पीएम सहवाज ने जल्द रिटायरमेंट की मंजूरी दी। अफगानिस्तान में काबुल के कसाई की हत्या की कोशिश, बाल बाल बचा, गुलबुद्दीन हिकम तैयार। भारत की G20 की अध्यक्षता मिलने पर बाइडेन ने कहा दोनों देश मिलकर वैश्विक चुनौतियों से निपटने का कार्य करेंगे। स्पेन के यूक्रेनी दूतावास में इलाके के बाद 2 लेटर बमों से हड़कंप, आतंकी घटना के तौर पर जांच जारी। आईपीएल में फुटबॉल की तरह प्लेयर, 12वां खिलाड़ी उतार सकेगी टीम में, 14वें ओवर तक बदलाव की इजाजत। कैमरून से हारकर भी ब्राजील नॉकआउट में पहुंचा, फीफा वर्ल्ड कप आखिरी लीग मैच में कैमरून ने ब्राजील को 1-0 से हराया। जर्मनी बेल्जियम वर्ल्ड कप से बाहर, अर्जेंटीना पुर्तगाल से किया क्वालिफाई। एक्स्ट्रा टाइम में गोल कर नॉकआउट में पहुंचा साउथ कोरिया, पुर्तगाल को रोमांचक मुकाबले में हराया, चैन ई दागा डिसाइडर। जीतकर भी टूर्नामेंट से बाहर हुआ उरुग्वे, खाना को हराया पुर्तगाल साउथ कोरिया क्वालिफाई। सुष्मिता सेन के भाई राजीव ने पत्नी पर लगाया आरोप, कहा हम अलग हो रहे हैं, व्यूज के लिए जियाना को खूबी से यूज किया। फोटोशूट के दौरान सेट पर मस्ती करती दिखी अनन्या पांडे, ग्लैमरस लुक में आई नजर, फैंस को पसंद आया चुलबुला अंदाज। फैन के सामने झुक गया पुष्पा, अल्लू अर्जुन ने घुटनों के बल बैठे खिंचाई फोटो, रूस में कर रहे फिल्म का जबरदस्त प्रमोशन। नवाबी स्वैग क्लासी अंदाज में दिखे सैफ, करीना, विक्की कौशल, उवर्सी रतौला के अलावा मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए सेलेब्स।
मिशन इम्पॉसिबल जैसी फिल्में करना चाहते हैं शाहरुख खान, कहा अब अगले 10 सालों तक सिर्फ एक्शन फिल्में ही करूंगा। पांच मिनट की 25 बड़ी खबरों में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक ले देखते रहिए प्राइम टीवी।